नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मौनिका और आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो है हम सबको बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करती है। क्लास में जो बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता है, टीचर कहती है ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, दूसरे बच्चे बेचारे जलते रहते हैं। पर क्या साइकोलॉजिस्ट भी सच में यही समझते हैं कि जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं? तो आज इस वीडियो में हम यही जानते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से इंटेलिजेंस क्या होती है, और स्पेसिफिकली आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की। सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से इंटेलिजेंस की क्या डेफिनेशन है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है, इंटेलिजेंस इज़ द पावर ऑफ प्रसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। मतलब कि किसी भी चीज़ को प्रसीव करना, उसे याद करना, उसे समझना और उसे जानना एक इंटेलिजेंस है। पर साइकोलॉजिस्ट ऐसा नहीं मानते। एल्फर्ड बेनेट एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा नहीं, इंटेलिजेंस सिर्फ इतनी नहीं है, इंटेलिजेंस इससे कुछ ज़्यादा होती है। तो उन्होंने इंटेलिजेंस की एक डेफिनेशन दी, जो कि थी, इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीज़न वेल। मतलब हमारे पास इतनी इंटेलिजेंस होती है कि हम किसी भी सिचुएशन को जज कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और उसके हिसाब से फिर हम एक्ट करते हैं। और ऐसे ही फ्यूचर में कई साइकोलॉजिस्ट ने फिर डिफरेंट इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी। आज इस वीडियो में हम ट्रायकिक थ्योरी की बात करने वाले हैं, जो दी थी स्टर्नबर्ग ने 1985 में। तो उन्होंने कहा इंटेलिजेंस जो है वो ना सिर्फ चीज़ों को समझना, उन्हें जज करना, पर इंसान जो है इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, या तो वो इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को अडाप्ट कर लेता है या फिर अपने हिसाब से इन्वायरमेंट को चेंज तक कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है, वो घर पर बड़ा चुप रहता है, तो उसने जब स्कूल गया तो उसने देखा कि सारे बच्चे तो बहुत बातें करते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं, तो उसे लगा कि अगर मैं ऐसे ही चुप रहूँगा तो मैं दूसरे बच्चों के साथ इन्जॉय नहीं कर पाऊँगा, मिक्स नहीं हो पाऊँगा, तो उसने अपने बिहेवियर को चेंज किया। तो मतलब हम इतने इंटेलिजेंट होते हैं, या तो हम अपने आप को उस इन्वायरमेंट में चेंज कर लेते हैं या फिर हम अपने इन्वायरमेंट को भी चेंज करने की क्षमता रखते हैं, जिसका एग्ज़ाम्पल हम बाद में देखते हैं। ये सभी आती हैं थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस को अब टू पार्ट्स में फर्दर क्लासिफाई किया गया है, जिसमें आती है साइकोमेट्रिक अप्रोच और सेकंड आती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। आज इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, जिसमें फर्दर दो थ्योरीज होती हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और स्टर्नबर्ग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द स्टर्नबर्ग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, जिसमें हम बात करेंगे ट्रायकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। स्टर्नबर्ग कहते हैं इंटेलिजेंस की डेफिनेशन होती है द एबिलिटी टू अडाप्ट, टू शेप एंड सेलेक्ट द एनवायरनमेंट टू अकम्प्लिश वंस गोल एंड दोज ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। तो वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब है या तो खुद को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से या फिर अपने गोल्स के हिसाब से चेंज कर लो, या फिर अपने एनवायरनमेंट को अपने गोल्स के हिसाब से बना लो। और जैसे एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, कहा जाता है कि जैसा देश वैसा भेष। अगर आप आबू धाबी जा रहे हैं तो जाहिर है आपको वहीं के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए, खुद को वहाँ के हिसाब से अडाप्ट करना चाहिए, और आप किसी वेस्टर्न कंट्री में जा रहे हैं तो आप वहाँ के हिसाब से कोई भी अपने हिसाब से ड्रेसेस पहन सकते हैं। या तो इंसान इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लेता है या फिर अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अगर कोई इंसान है वो रनिंग करना चाहता है पर अभी उसके रनिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो रनिंग ग्रुप ज्वाइन कर लेगा, उन लोगों से बात करेगा जो रनिंग करना चाहते हैं, फिर रनिंग करना शुरू कर देगा। तो उसने क्या किया, अपना इन्वायरमेंट को ही अपने हिसाब से बना लिया। तो इंसान जो है वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ट्रायार्किक का मतलब होता है तीन। तो इसके अंदर फर्दर इंटेलिजेंस को तीन सब थ्योरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस की। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस को एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। मतलब ऐसे लोगों के एनालिटिकल स्किल, क्रिटिकल स्किल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ऐसे बच्चे लॉजिकल प्रॉब्लम्स को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, और ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे बच्चे स्कूल में एकेडमिकली काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस को फर्दर थ्री सब कॉम्पोनेंट्स में फिर से डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, जिसमें सबसे पहले आता है नॉलेज एक्विजिशन कॉम्पोनेंट, मेटा कॉम्पोनेंट, थर्ड नंबर पर आता है परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट। नॉलेज एक्विजिशन कॉम्पोनेंट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को गैदर करना, उस इंफॉर्मेशन को समझना,
उसके बाद नंबर दो पे आता है मेटा कॉम्पोनेंट। मेटा कॉम्पोनेंट का मतलब होता है हायर लेवल ऑफ थिंकिंग, मतलब अब आपके पास नॉलेज है, अब आपके पास एबिलिटी है टू प्लान द थिंग्स फॉर द फ्यूचर गोल्स। तो मेटा कॉम्पोनेंट का मतलब होता है प्लानिंग करना। और उसके बाद आता है परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट। परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट का मतलब होता है कि जो भी आपने प्लान बनाया है उसके हिसाब से एक्शन लेना और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। तो ये तो हो गई पहला कॉम्पोनेंशनल सब थ्योरी। नंबर टू पे आता है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, जिसे क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। मतलब ऐसी इंटेलिजेंस जो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लेते हैं, जैसे कोई भी गेम है, अगर बास्केटबॉल है या फिर क्रिकेट है, उसमें कोचेस होते हैं। तो कोचेस को गेम का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि वो दूसरे लोगों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से गाइड कर पाते हैं, उन्हें कोच कर पाते हैं। इसलिए उनकी क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू उस इंसान के अभी जिसने किसी भी चीज़ को पहली बार एक्सपीरियंस किया है। तो जब भी कहते हैं कि अगर कोई एक्सपीरियंस्ड होता है और कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो इंसान जो है हमारी प्रॉब्लम को ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि उसने उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया है। तो इसे कहते हैं एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, जिसमें क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि हम बार बार उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। तो हमारा दिमाग जो है और ज़्यादा क्रिएटिव होता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के और क्रिएटिव आइडियाज सोचते हैं। नंबर तीन पे आता है कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस। कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस का मतलब होता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, मतलब अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को चेंज कर लाना, जिसे स्ट्रीट स्मार्टनेस या फिर बिजनेस सेंस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व द एबिलिटी टू डील विद एनवायरमेंटल डिमांड्स encountered on the daily basis, मतलब कि जो भी हमारी environments की demand होती है उस हिसाब से खुद को change कर लेना। जैसे कि lockdown का period है, corona virus का period है, इस वजह से काफ़ी लोग जो हैं जिनकी jobs को problem हुई है, उनकी जो salary है वो कम हो गई है। पर इसमें से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने नए solution find out कर लिए होंगे। जैसे कि अगर कोई ट्यूटर है तो वो घर घर जाके पढ़ाता होगा, तो अगर उसने अपना ऑनलाइन कोर्स पढ़ा लिया तो उसके लिए और भी आसान हो गया कि वो घर ही बैठे इतने सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा सकता है। तो इसे कहा जाता है बिजनेस सेंस या फिर स्ट्रीट स्मार्टनेस, कि हम कैसे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से खुद को चेंज कर पाते हैं और इन्वायरमेंट को अपने फेवर में बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी स्टर्नबर्ग की ट्रायार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें तीन कॉम्पोनेंट्स थे जिनके बारे में हमने जाना। मैं ऐसे ही लाती रहूँगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय। थैंक यू।